जय हिंद। आप में से बहुत से लड़कों ने कमेंट कर करके ये बात पूछा कि सर टूर ऑफ ड्यूटी को अच्छे से समझा दीजिए, तो चलिए समझते हैं हम लोग टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। देखिए, जो आर्मी है इसकी दो सबसे बड़ी खासियत होनी चाहिए। सबसे पहला कि आपकी आर्मी एक्टिव होनी चाहिए, दूसरा कि आर्मी को यंग रखना जरूरी है, जवान रखना चाहिए आर्मी को। इसलिए आर्मी के जवानों को बहुत ही जल्दी रिटायर कर दिया जाता है और रिटायर के बाद उन्हें पेंशन भी दिए जाते हैं। पेंशन के बोझ को कम करने के लिए टूर ऑफ ड्यूटी को लाया गया। तो समझते हैं हम लोग टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में डिटेल से। आप अगर ध्यान से समझेंगे तो आर्मी में जाने के कई रास्ते हैं। इंडिया में अगर देखिएगा तो ये तीन रास्ते हैं। अभी इंडिया में एक दौर है परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन उसे कहा जाता है जिसमें आपको पूरी ज़िंदगी आर्मी के साथ पूरी लाइफ गुजारनी होती है। लाइफ कहने का मतलब ये नहीं है कि आपकी मतलब आपको पूरी ज़िंदगी आर्मी में नहीं रहना है। अगर आप जवान हैं तो आपकी उम्र 38 से 40 साल होगी तो आपको रिटायर कर दिया जाएगा। ऑफिसर हैं तो 54-55 पर रिटायर कर दिया जाता है। कर्नल से ऊपर रैंक के हैं तो 60 साल पर रिटायर किया जाता है। तो ऑन एन एवरेज ये परमानेंट में आते हैं। इसके अलावे एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, इसमें आपको 10 से 15 साल ड्यूटी करनी होती है। जब तक ड्यूटी करिएगा तब तक आपको सैलरी वगैरह सब कुछ मिलते रहेंगे, 15 साल बाद रिटायर कर दिया जाता है। अब रिटायरमेंट के बाद इन लोगों को पेंशन भी दिया जाता है। अब आर्मी जो नया प्लान कर रही है वो टूर ऑफ ड्यूटी ये 3 साल के लिए होगा। अभी इस पर कोई ऑफिशियल बात नहीं हुई है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, लेकिन हमारे जो CDS हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उन्होंने इस ओर इशारा किया था कि टूर ऑफ ड्यूटी का प्लान चल रहा है, तो ये 3 साल के लिए आर्मी में आना होगा। अभी हम इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। अब हमारे देश में कुछ और भी समझिए, हमारे देश में कुछ टेरिटोरियल आर्मी है। टेरिटोरियल आर्मी उसे बोला जाता है जिन्हें हम ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं, भैया आपको जो काम करना है करिए, और जब युद्ध होगा ना तब उन्हें बैकअप के लिए बुला लेते हैं। ऐसे टेरिटोरियल आर्मी ये होते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि लोगों का सेना से जुड़ाव बना रहे। हमारे महेंद्र सिंह धोनी भी टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक पर गए थे। आप अगर देखेंगे महेंद्र सिंह धोनी को तो वो भी टेरिटोरियल आर्मी में अपनी सेवा दिए हुए हैं। इनका रैंक देखेंगे तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक पर ये गए थे महेंद्र सिंह धोनी, तो ये टेरिटोरियल आर्मी में है। तो ये तो पहले से चल रहा है टेरिटोरियल आर्मी हमारा। तो अब यहाँ देखिए, तो आर्मी पहले से टेरिटोरियल कर रही है। दूसरा, इनवर्स इंडक्शन करना चाह रही है आर्मी। इनवर्स इंडक्शन के तहत क्या करना चाह रही है कि जो CRPF या फिर पैरामिलिट्री में है जो ड्यूटी कर रहे हैं, मान लीजिए कोई BSF में है, कोई CRPF में है, कोई PSC में है, कोई बिहार मिलिट्री पुलिस BMP में है, इस तरह से है, या पुलिस के जवान हैं, तो उनमें से आर्मी का क्या कहना है कि भैया जो उनमें से तेज तर्रार जवान है ना, उनको हम क्या करते हैं सेना में लेते आते हैं। कहते हैं कि भैया एक काम करो, तुम चलो 5 साल के लिए तुम सेना में चलो, 5 साल तुमको सेना में ड्यूटी कराते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ले आ देंगे, उन्हें भी ट्रेनिंग दिया जाएगा, पूरा फौजी बनाया जाएगा और फिर सेना में लाएंगे। 5 साल बाद उन्हें कह दिया जाएगा भैया आप जहाँ थे जैसे पुलिस में थे तो पुलिस में चले जाइए और हमसे पेंशन मत मांगिए, क्योंकि हम आपको 5 साल के लिए ना बुलाए हैं, हम तो आपको और बेहतर कर दिए हैं और बेहतर करके लौटा रहे हैं। आप जिस डिपार्टमेंट में थे वहाँ और जाके एकदम अच्छे से ड्यूटी कीजिएगा। तो ये भी एक तरह का अच्छा है। अब उनको तो पेंशन वो गवर्नमेंट देगी जिधर से वो आए हैं पैरामिलिट्री में से। आर्मी ने अपने सेना में 5 साल ड्यूटी भी करा लिया और वापस भी कर दिया, आर्मी का पेंशन भी बच गया। तो वो इनवर्स इंडक्शन पे भी विचार कर रही है। इसी के तहत NCC को भी बैकअप में तैयार करके रखा जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा हम लोग कैजुअल्टी हो गई लड़ाई के समय तो एक बैकअप के लिए हम NCC को भी रख सकते हैं। मैंडेटरी सर्विस हमारे देश में नहीं है, इसराइल में है। क्या कि इसराइल में आपको लगभग 2.5 साल सेना में जाना ही जाना है। हम ये नहीं कर सकते मैंडेटरी सर्विस, क्योंकि एक जवान को ट्रेनिंग करने में काफ़ी खर्च आते हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि इतने बड़ी जनसंख्या को हम मैंडेटरी सर्विस या मैंडेटरी आर्मी सर्विस के लिए ट्रेनिंग दे सके। तो ये तो हमारे देश में पॉसिबल ही नहीं है कि हम पूरे देश की जनता को अनिवार्य रूप से सेना की ट्रेनिंग दे सके। इनवर्स इंडक्शन क्या है समझा दिए। टेरिटोरियल आर्मी केवल सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए इसमें VIP लोग को शामिल कर दिया जाता है। अब मेन जो है वो हमारी बात चल रही है किस पर, टूर ऑफ आर्मी पर, टूर ऑफ ड्यूटी पर। इसके तहत केवल 3 साल के लिए लाया जाएगा। अब आप कहिएगा कि सर 3 साल में फ़ायदा क्या हो। देखिए, मान लीजिए अगर इस साल 1000 लोगों को भर्ती किए, फिर अगले साल 1000 लोग, फिर अगले साल 1000 लोग, 3 साल में हमारे पास कितने हो गए 3000। अब अगले साल तो जो पहले आए थे वो तो रिटायर होंगे, फिर 3000 आ जाएंगे।
तो इस तरह से हमारे पास हमेशा एक रेगुलर आर्मी बनी रहेगी, और ये आर्मी को हमें क्या नहीं देना पड़ेगा, पेंशन भी नहीं देना पड़ेगा। अभी हम पेंशन पे आएंगे, चर्चा करेंगे। अब थोड़ा सा हम आगे समझते हैं टूर ऑफ ड्यूटी में, ध्यान से समझिए। इस टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में समझिए, ये एक तरह का इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप क्या होता है कि आपको किसी खास काम के लिए और खास फिक्स समय के लिए जब बुलाया जाता है तो उसे इंटर्नशिप कहते हैं। इससे सेना हमेशा जवान रहेगी, यंग रहेगी। जैसे मान लिया कि हमने एक साल के लिए 1,00,000 लोगों को किस में भर्ती किया, टूर ऑफ ड्यूटी में, एक इस साल भर्ती किया, फिर अगले साल 1,00,000 को भर्ती कर लेंगे, फिर अगले साल 1,00,000 को कर लेंगे, यानी 3,00,000 हमारे पास आ गए सब। फिर अगले साल इधर 1,00,000 को रिटायर करेंगे तो फिर 1,00,000 को भर्ती भी तो कर लेंगे, और जिसको हम रिटायर किए हैं उसको तो पेंशन देना नहीं है कि भैया हम 3 साल ड्यूटी कराए हैं। अब ध्यान से समझिएगा जी, ऐसे करके हमारे पास 3,00,000 का स्टॉक बचा, और ये 3,00,000 की जो आर्मी है एकदम यंग है, 18 साल के लड़कों को भर्ती करेंगे, 18, 19, 20, 21, तो ये 3 साल का, 18 से 21 साल के लड़कों को शादी ब्याह नहीं हुआ रहता है, एकदम यंग गर्म खून रहता है। अब बॉर्डर के फ्रंट लाइन पे खड़ा करेंगे ना, देशभक्ति राष्ट्रवाद तो कूट कूट के भरा है, समझ में आया। अब जैसे कोई परिवार वाला आदमी है, सेना हमारी हर उम्र के जवान बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन जो 40-50 साल एज हो गया उन पे जिम्मेदारियां हैं, उनके बाल बच्चे हैं, वो भी इंसान हैं, वो भी हमारे लिए लड़ते हैं, तो एक उनके ऊपर जिम्मेदारी है। एक वो जो नया नया छोड़ा जाता है, इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं, ना आगे ना अपना पीछे पगा, गोली चलाया रे तुम हम पे, एक वो चलाएगा हमसे चूरा बम मार देंगे यहाँ पे। तो ये आर्मी को यंग रख सकते हैं, इससे आर्मी को डबल फायदा कि आर्मी हमेशा यंग रह गई, और जो रिटायर हुए उन्हें सैलरी भी नहीं देना है, और आर्मी कम भी तो नहीं होगी ना भैया, हर साल हम एक एक को रखे रहेंगे, हमेशा हमारे पास 3,00,000 की एक टूर ऑफ आर्मी की, टूर ऑफ ड्यूटी की फौज बड़ी रहेगी, समझ में आया कि नहीं आया। अब आप कहिएगा कि सर वो जो 3 साल बाद रिटायर कर देंगे और उसको पेंशन भी नहीं देंगे तो लड़का कहाँ जाएगा। तो देखिए भैया, इसमें सेना विचार कर रही है कि हम इस तरह से एंट्री कराएंगे कि जैसे कोई लड़का ग्रेजुएट हो गया है तब आओ भैया, 3 साल ड्यूटी करो और जाओ, और सरकार एक नियम बना देगी कि कोई भी एसएससी, रेलवे, बैंक वगैरह, वो इन लड़कों को आरक्षण दे जो मतलब आर्मी की ट्रेनिंग कर ली है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाएगा, सेना उनको डिसिप्लिन 9 महीने का ट्रेनिंग देगी। ऐसा नहीं कि टूर ऑफ ड्यूटी आइए आपको टूर करा देते हैं, उठाइए AK-47, ऐसे नहीं, 9 महीने की एकदम कठिन ट्रेनिंग दिया जाएगा उन लोग को, ट्रेनिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा उनका, 9 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा, समझ में आया। आप वो जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे एकदम डिसिप्लिन, इतने बजे ऑफिस आना है तो आना है, हर चीज़ एकदम बढ़िया से रहेगा, इससे कि उनको देखकर डिपार्टमेंट के बाकी लोगों में भी एक जज्बा आएगा। और आप खुद देखिए ना, हम लोग, आप हो या हम हो, जब भी कहीं जाते हैं तो बगल में कोई फौजी रहता है तो अपने अंदर से एक आत्मसम्मान का दिल, वो आदमी हाथ उठाकर सैल्यूट नहीं करता है, लेकिन अपने दिल से पूछेगा आदमी, उन्हें दिल से सैल्यूट करता है कि इनके बदौलत हम लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं। तो जहां वो ड्यूटी करने जाएंगे वहां भी लोगों का सेना के प्रति इज्जत बढ़ेगा, और वो भी लोग चाहेंगे कि हम भी अपने नेक्स्ट जनरेशन को सेना में भेज सकें। तो एक आर्मी है, एक काफ़ी अच्छा बैलेंस बना के कर रही है। आखिर आर्मी को ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी? अब आप कहिएगा, यहाँ एक नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि अगर हम 3 साल ड्यूटी करा के निकाल देते हैं तो जितने भी आएंगे हमारी सेना यंग तो रहेगी लेकिन एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा। देखिए, जवान रहना भी ज़रूरी है, एक्सपीरियंस का भी रहना ज़रूरी है, कहीं कहीं जोश और जुनून काम नहीं आता है, एक्सपीरियंस काम आता है। तो इसीलिए आर्मी विचार कर रही है कि हम अपनी आर्मी में 40% 30-40% फौज को टूर ऑफ ड्यूटी के तहत रखेंगे ताकि ये लोग जवान रहें, और बाकी 60% फौज हम फुल परमानेंट सर्विस वाले रखेंगे ताकि इनके पास एक्सपीरियंस रहे। तो आर्मी हर तरह के मैटर पर विचार कर रही है, याद रखिएगा, अभी ये विचार हो रहा है, कंफर्म अभी नहीं हुआ। देखिए अब ध्यान से, ये एक तरह का इंटर्नशिप उसे कहते हैं जो एक फिक्स टाइम के लिए आपको बुलाया जाता है। इसमें वर्दी भी मिलेगी, खूब बढ़िया भाई, सेना की वर्दी मिलना बहुत बड़ी बात होती है। आपका बढ़िया बढ़िया ब्रांड, जो हज़ारों रुपए के आप जो ब्रांड पहनते हैं ना, उस ब्रांड की कोई कीमत नहीं है अगर आपके बगल में कोई बंदा वर्दी पहन के इंडियन आर्मी का उस पर लोगो बना हो पहन के खड़ा हो जाए तो, सारा आपका ब्रांड बर्बाद हो गया उस आर्मी के वर्दी के बाद। तो एक वर्दी भी मिलेगी, रैंक भी मिलेगी, सैलरी भी मिलेगी। क्या नहीं मिलेगा? तो भैया पेंशन नहीं मिलेगी, सारा बवाल तो पेंशनें कम करने के लिए हो रहा है, समझ में आया कि नहीं। तो पेंशन नहीं मिलेगा आपको। क्यों पेंशन नहीं मिलेगा? क्योंकि पेंशन देने के लिए कम से कम आपको 17 साल की ड्यूटी करनी रहती है, इसमें तो ओवरऑल 3 साल की ड्यूटी ही है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
जो टूर ऑफ आर्मी ड्यूटी के तहत आएगा वो सेना के एडवेंचर को भी देख लेगा, राष्ट्रवाद भी देख लेगा, डिसिप्लिन भी सीख लेगा, स्वास्थ्य मेंटेलिटी हर चीज़ को सुदृढ़ कर लेगा और दूसरी नौकरी में उसको छूट भी मिलेगा, तो उसका भी करियर ख़राब नहीं हुआ। देश की सेना भी जवान रह गई और देश का जो पेंशन पे खर्च था वो भी बच गया। आर्मी का जनता से जुड़ाव भी हमेशा रेगुलर बना रहेगा 3 साल पे। अब जैसे क्या होता है कि एक आर्मी गया वो 40 साल ड्यूटी पे रहेगा, तो भैया 40 साल तक आप उसके जगह पे दूसरा भर्ती नहीं ना करेंगे, यहाँ तो हर 3 साल पे ड्यूटी पे भर्ती करना है। तो समझ में आ रहा है। अब आप देखिए जरा ध्यान से, इस इंटर्नशिप पे क्या किया जाएगा। शुरुआत में ऐसा नहीं है कि आप कोई सेना में कोई डिसीजन बड़े पैमाने पर ले सकते हैं, तो आर्मी का कहना है कि पहले हम 1000 जवान और 100 ऑफिसर को भर्ती करेंगे, इसमें 1000 जवान को भर्ती करेंगे, 100 ऑफिसर को, इसमें देखेंगे कि इस पर क्या अभी प्रोसीजर है, क्या इसके रिजल्ट आएंगे। हम आपको अभी इसके फ़ायदे समझाते हैं, अब ध्यान से समझिए इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे हमारे। देखिए इसके बेनिफिट समझाते हैं। एक रेगुलर जो जवान होता है ना, हम अभी इसमें ऑफिसर की बातें नहीं कर रहे हैं, हम जवान की बात कर रहे हैं। देखिए ऑफिसर बहुत कम होते हैं, एक कंपनी में लगभग 3 प्लाटून होता है, जैसे 10 जवान का एक सेक्शन होता है और 3 सेक्शन को मिला के एक प्लाटून बनता है, और 3 प्लाटून को मिला देंगे तो एक कंपनी बनती है, और एक कंपनी को कमांड करता है एक ऑफिसर, यानी 90 लोगों के फौज पे एक ऑफिसर हो जाता है, 90 से 120, कभी कभी 4 प्लाटून का भी एक कंपनी बनता है। वो फर्दर वीडियो में हम आपको समझाएंगे कंपनी, प्लाटून, सेक्शन, बटालियन, रेजिमेंट, ब्रिगेड, डिवीजन, ये सब में अंतर कभी समझा देंगे उसमें। तो एक रेगुलर जो जवान होता है उस जवान को पूरा परमानेंट अगर ड्यूटी दीजिएगा तो भर्ती से लेकर उसकी जितनी सैलरी बनती है, अलाउंस बनता है, भत्ते बनते हैं, उसको पेंशन होता है, वो सब मिलाकर अगर जोड़ दीजिएगा तो 11 करोड़ रुपए आते हैं, 11 करोड़। और अगर यही जवान अगर हम टूर ऑफ ड्यूटी के तहत लेते हैं तो 3 साल का है, तो 3 साल में आप उसको कितना अलाउंस दे दीजिएगा, कितना खर्चा कीजिएगा, आप पेंशन का तो बवाल ही नहीं है, तो टोटल 90 लाख खर्च आएगा। तो हम यहाँ कैलकुलेशन ईजी करने के लिए 1 करोड़ लिख दिए, मान के चलिए 1 करोड़ आएगा। तो सोचिए जो रेगुलर जवान है वो 11 करोड़, और जो टूर ऑफ ड्यूटी पे आ रहा है 1 करोड़, यानी एक जवान पर कितना बचेगा हमको, 10 करोड़ बचेगा। दूसरा, ये तो पैसा बच ही गया, दूसरा ये जो फुल समय ड्यूटी करेगा, जैसे मान लीजिए अभी हम ही आर्मी में भर्ती हो जाए तो अभी हम अच्छे से ड्यूटी कर सकते हैं, लेकिन 10 साल बाद क्या बूढ़ा जाएगा आदमी, अच्छे से नहीं ना ड्यूटी हो पाएगी, उतने बेहतरीन ढंग से नहीं हो पाएगा जितना एक यंग आदमी कर सकता है। तो इससे डबल फायदा टूर ऑफ ड्यूटी से, एक जवान के पीछे 10 करोड़ बच गया और सेना पूरी तरह जवान है, एकदम यंग है, समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गया इससे फायदा। अब देखिए जरा ध्यान से, स्टार्टिंग हम लोग ट्रायल जो करने जा रहे हैं, शुरुआत में हम लोग 1000 सैनिकों को भर्ती करेंगे, तो देखिए बेनिफिट क्या होगा, हम 1000 सैनिकों को भर्ती करने जा रहे हैं, एक सैनिक पर कितना बेनिफिट है 10 करोड़ का, तो 1000 पर कितना हो जाएगा, उसमें 10 से गुणा कर दीजिए, 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ की बचत आ जाएगी, क्योंकि एक सैनिक पर हमारा बचत हो रहा है 10 करोड़ का, तो 1000 सैनिकों पर बचत कितना हो जाएगा, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 10,000 करोड़ का बचत हो जाएगा हम लोग को। अब इस बचत से 10,000 करोड़ से हम आधुनिक हथियार खरीद सकते हैं, आर्टिलरी खरीद सकते हैं, हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं। आप खुद सोचिए ना, 126 राफेल जहाज़ों की ज़रूरत थी, आ कितना रहा है, केवल 36, यानी 90 जहाज़ अभी कम आए हैं। अब सोचिए हमारे यहाँ पे तो पैसे हथियार पे पैसे कम खर्च होते हैं, और अपनी की टेक्नोलॉजी उतनी आगे नहीं है जितना होना चाहिए सेना के क्षेत्र में। हम मतलब सेना में जो हथियार बनाना है तो उसमें हम लोग उतना मतलब संतोषजनक विकास नहीं कर पाए, मिसाइल टेक्नोलॉजी हम लोग की आगे है, लेकिन जो हेलीकॉप्टर एविएशन सेक्टर है उसमें बहुत संतोषजनक विकास नहीं हुआ है। अब आप ऐसे अंदाज़ा लगाइए, 1 रैंक 1 पेंशन जब आया था तो आपको पता होगा ये क्या है 1 रैंक 1 पेंशन, मतलब क्या है समझिए ध्यान से, कि जिस तरह से लोगों की सैलरी बढ़ती है, जैसे जो दरोगा 2010 में था या जो 1995 में दरोगा की जो सैलरी थी, क्या 2020 में वही सैलरी है, नहीं ना, सैलरी बढ़ रही है। तो 1 रैंक 1 पेंशन में क्या कहना है कि भैया जब सैलरी बढ़ रही है ना तो पेंशन भी बढ़ाइए, यानी जो आदमी जो सिपाही 2020 में रिटायर हो रहा है उसका पेंशन जितना है उतना ही पेंशन उस सिपाही का भी होना चाहिए जो 2002 में रिटायर हो गया और अभी तक जिंदा है, मतलब मान लीजिए जीवित है। अब आर्मी को तो बहुत यंग एज में ना रिटायर कर दिया जाता है, तो मतलब कहना है कि पेंशन एकदम सेम होना चाहिए। तो इससे पेंशन पे बोझ इतना बढ़ गया है कि आर्मी ना अपने कुल बजट का लगभग 60% बबुआ 60% लगभग केवल सैलरी और पेंशन में खर्चा हो जाता है, यानी जो आर्मी को पैसे मिलते हैं उस पैसे का 60% सैलरी या पेंशन में ख़त्म हो जाता है, बाकी में आपका डीजल का खर्चा है, ये वगैरह वगैरह खर्चे हैं, तो बहुत कम खर्च हो पाते हैं हम लोग का। अब ऐसे समझिए ध्यान से, हमारी आर्मी को टोटल
2.5 लाख करोड़ रुपए मिलते हैं साल में, कि भैया इस 2.5 लाख करोड़ में आपको जो करना है करिए। अब 2020 का हम आपको बताते हैं, जो 2.5 लाख करोड़ मिले थे हम लोग को उसका हिसाब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कैसे है 2.5 लाख करोड़ का 2020 में। उस 2.5 लाख करोड़ में से 1,33,000 करोड़ हम लोग पेंशन देने में खर्च कर दिए, यानी लगभग आधा खर्च कर दिए पेंशन देने में, 1 रैंक 1 पेंशन का पेंशन पे। और हथियार कितने का खरीदे, 1,20,000 करोड़। आप अगर इसको जोड़िएगा तो लगभग 2.5 लाख करोड़ आ जाता है। तो ये हमारा 2.5 लाख करोड़ का हिसाब है, आधा निकल गया पेंशन सैलरी देने में। अब बाकी बचा, आप खुद सोचिए ना, पेंशन वगैरह का जो हमारा खर्चा है पेंशन का, उससे कम खर्चा है हमारे हथियार का। अब कहीं ना कहीं आपको भी ये अजीब लग रहा होगा सुन के कि भैया हम हथियार पे जितना खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा पेंशन पे खर्च कर रहे हैं। तो ये टूर ऑफ ड्यूटी है, इसके पीछे भले ये तर्क दिया जा रहा है कि आर्मी जवान रहेगी, सेना जवान रहेगी, ये तर्क दिया जा रहा है कि युवाओं में जो राष्ट्रवाद है, जो देश प्रेम है, उसका सही उपयोग होगा, लेकिन इसके पीछे जो मेन रीजन है वो आपको दिख गया कि आर्मी अपने पेंशन को बचाकर उस पैसे को मॉडर्नाइजेशन की ओर लगा सकती है। क्योंकि हमारे जो बगल में चाइना है, ये बहुत ही ज़्यादा अपने आर्मी पे पैसे खर्च कर रहा है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये जो सैनिक होंगे टूर ऑफ ड्यूटी पे, ये कैसे आएंगे टूर पे जैसे घूमने जाते हैं? नहीं, इनका भी वैसे ही बहाली होगी, वैसे ही भर्ती होगी जैसे एक रेगुलर आर्मी का होता है, वैसे ही ट्रेनिंग होगी जैसे एक रेगुलर आर्मी का। यानी अगर कोई जवान खड़ा है तो आप देख के नहीं कह सकते हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी का है कि ये परमानेंट है। फिर आप उसके आई कार्ड को देखना पड़ेगा, उसका सर्विस रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि कौन सा ये जवान है, तब पता करेंगे। ट्रेनिंग भी एक ही जगह पर होगी, सैलरी भी एक मिलेगा, हर चीज एक रहेगी। फर्क बस ये रहेगा कि भैया आपको 3 साल पर रिटायर कर दिया जाएगा बस, और पेंशन नहीं दिया जाएगा। भर्ती सेम होती है, आप आर्मी की भर्ती देखे होंगे, हमारे देश के जितने युवा जवान होते हैं वो दौड़ लगाते हैं, वो लोग 4 मिनट में 1600 मीटर दौड़ लगा के वो दौड़ लगाते हैं। फिर जो प्रोसीजर होती है उनका, वो उस प्रोसीजर के बाद वो लोग सेलेक्ट होते हैं, और सेलेक्ट होने के बाद तब वो कहाँ जाते हैं, आर्मी में जाते हैं। सबका पैरामीटर सेम रहेगा आर्मी में अगर वो चले जाते हैं तो। आप नहीं कह सकते हैं कि इनमें से कौन सा जवान टूर ऑफ ड्यूटी का है और कौन सा जवान हमारा मतलब परमानेंट है। तो सब का सब क्या रहेगा, एकदम सेम रहेगा। आप समझ में आ गया आप लोग को कि ये टूर ऑफ ड्यूटी मेन और मेनली किसके लिए किया जा रहा है, कि भैया हम अपने पेंशन पे हो रहे खर्च को कंट्रोल कर सके और अपनी सेना को मॉडर्न टेक्नोलॉजी दे सके। जैसे हमारे सैनिकों का बैलिस्टिक हेलमेट नहीं रहता है, इंफ्रारेड रिकॉग्नाइजर नहीं रहता है, अभी भी हम लोग इंसास राइफल लेके चल रहे हैं लोग। तो ये सब चीज़ें, आर्मी की जो बूट होती है वो काफ़ी हैवी होती है, वजन में बहुत भारी होता है। अभी कई ऐसे बूट आ गए हैं आर्मी के पास, जैसे अमेरिकन सोल्जर का देखिएगा तो बूट बहुत मजबूत रहता है जूता, और भारी नहीं रहता है। हमारे सैनिकों का बूट मजबूत है लेकिन भारी है। तो भैया उसके लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो हम लोग आधा पैसा तो सैलरी पेंशन पे ख़त्म कर दे रहे हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे टूर ऑफ आर्मी का। बाकी आर्मी में हथियार वगैरह कौन से होते हैं, कैसे आप देख सकते हैं, देख के कैसे पहचान जाएंगे कि AK-47 है कि SLR है कि 303 है कि इंसास है, पिस्टल माउजर, इस सब में क्या क्या डिफरेंस होता है, इस सब के बारे में हम आपको वीडियो बना देंगे। बहुत से लड़के कर रहे हैं प्लेलिस्ट बनाने के लिए, तो उसको भी बना देंगे, और प्लेलिस्ट में हम आपको डिफेंस में आपको हर एक चीज़ हथियार वगैरह के बारे में भी समझा देंगे, ताकि युवाओं के प्रति एक जिज्ञासा रहती है कि हमारी आर्मी क्या कर रही है। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ में आया, एक सैल्यूट हमारे भारत के वीर जवानों के लिए। जय हिंद।